जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर एफिडेविट के बारे में। जो अभी भारतीय सेना के अंदर भर्ती चल रही है, आपका फिजिकल चल रहा है, आपका डॉक्यूमेंट चल रहा है, उसमें क्या है दोस्तों, भारतीय सेना ने क्या है आपसे एक एफिडेविट मांगा है नोटरी से साइन किया हुआ। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मन में क्या है एक डाउट था कि सर ये जो एफिडेविट है वो क्या है, कहाँ से उसका परफॉर्मा निकलेगा, कैसे उसको बनवाना है। तो एफिडेविट के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा, कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है और कहाँ से ये बनेगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जितनी भी भर्ती चल रही है, आरटीजीसीओ, हवलदार सहायक, अग्निवीर, एनए, वुमेन, मिलिट्री पुलिस, सभी के लिए क्या है ये जरूरी है, ठीक है ना। एफिडेविट सबको ले जाना जरूरी है। कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसका आपको परफॉर्मा मिलेगा, ठीक है ना। जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी दे रखा था, लेकिन उससे बेहतर दोस्तों कहां पे मिलेगा आपको, ज्वाइन इंडियन आर्मी की आप वेबसाइट में जाएंगे, खुद को लॉगिन करेंगे, ठीक है ना, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। जब आप अपने आप को लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपका डैशबोर्ड खुलेगा, जहां पे माई प्रोफाइल, एडमिट कार्ड और भी बहुत अन्य काफी सारी जो चीजें लिखी हुई है, वहीं पर एक चीज लिखा हुआ है एफिडेविट। जैसे ही आप एफिडेविट पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्या खुल जाएगा, जिस चीज के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आरटीजीसीओ, हवलदार सहायक, अग्निवीर, एनए, जिस चीज के लिए भी आपने, जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है वो आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ही आप सपोज आपने आरटीजीसीओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे ही आप आरटीजीसीओ के लिए क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने क्या है एफिडेविट ओपन हो जाएगा, उसका पूरा परफॉर्मा है जो वहां पे ओपन हो जाएगा। आप नीचे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप नोटरी के पास जाएं, वो क्या है उसको आपको साइन करवा के दे देगा, ठीक है ना। आपने उसमें अपनी फोटो भी लगानी है, उसमें पूरा लिखा हुआ है, आपने उसको भरना है सही से, फोटो लगानी है और उसके बाद क्या है आपने नोटरी के पास जाना है और वो आपको साइन करके उसको दे देगा, ठीक है। लेकिन जितने भी उम्मीदवार हैं सभी के सभी क्या है ये जरूरी है, वहां पे जाके आप फिर बाहर मत हो जाना, वहां फिर आपको वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अभी बनवा के लाता हूँ, ये करता हूँ, वो करवाता हूँ, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए दोस्तों पहले ही अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार कर ले। मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर दो सेपरेट वीडियो बना रखी है, हवालदार सहायक का अलग बनाया है, आरटीजीसीओ का अलग बनाया है। आप पहले ही क्या है अपना डॉक्यूमेंट पूरा देख लें, ताकि वहां पे जाके फिर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का जो है सामना ना करना पड़े, ठीक है। एफिडेविट सभी के लिए जरूरी है, सबने क्या है एफिडेविट लेके जाना है, ठीक है। एक और है, कल एक उम्मीदवार का फोन आया था कि सर रिलेशन सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है ना। तो रिलेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए है जिन जो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर सर्विसमैन है या फिर जिनके भाई सेना में है, उन्हीं के लिए है वो। आप जिस जो नहीं है वो मत चिंता करें कि सर ये क्या है रिलेशन सर्टिफिकेट। कल एक फोन आया था मुझे, बोला सर रिलेशन सर्टिफिकेट बनाना है, वो कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो जब उनसे पूछा कि आपके पिताजी फौज में है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा भाई फौज में है, बोला नहीं, तो फिर वो उनको लागू नहीं है, मतलब कहीं को पता नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो सिर्फ किसके लिए है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर सर्विसमैन, ठीक है, तो सिर्फ वो उनके लिए है। एफिडेविट सभी बनवा लें, सभी अपने साथ ले जा लें। जो एफिडेविट का जो पीडीएफ है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप क्या है नजदीकी साइबर कैफे में जाके भी अपनी लॉगिन आईडी से क्या है उसको प्रिंट आउट करवा लें, उसके बाद नोटरी के पास जाएं और उसको पक्का से अपने साथ ले जाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर जो अभी भर्ती चल रही है उसमें जो आपका एफिडेविट लगेगा उसके बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो दोस्तों बने रहें चैनल के साथ, भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।